हाँ जी दोस्तों, तो वीवो की तरफ से यहाँ पर मैं वीवो का V27 Pro फोन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 1st of March को। मतलब अभी 2 दिन बाद ही ये फोन आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और ये जो फोन है, ये जो आप लोगों को फ्लिपकार्ट पर 12 बजे देखने के लिए मिलेगा। तो आज जो हम लोग इसी फोन का अनबॉक्स करेंगे, रिव्यू करेंगे, बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या फीचर्स आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन इस फोन की रहने वाली है, एंड ओवरऑल ये फोन आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फटाफट चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पे। सर, आप लोग देख सकते हैं ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। सामने साइड में यहाँ पर आप लोगों को वीवो की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। एंड ये जो बॉक्स है आप लोगों को, ये जो है वीवो का V27 Pro का बॉक्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सेम टू सेम जैसे वीवो V25 एंड V26 का बॉक्स था, वैसा ही बॉक्स आप लोगों को वीवो V27 Pro का देखने के लिए मिल जाता है। बॉक्स की लीड को ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को फोन देखने के लिए मिल जाता है। इसको रख दे साइड में और यहाँ पर मैं ट्रे को रिमूव करते ही ये रहा हमारा ट्रांसपेरेंट TPU केस, जो कि आप लोगों को बॉक्स के साथ देखने के लिए मिल जाता है। इसकी क्वालिटी आप लोगों को काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिल रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर वीवो की तरफ से आप लोगों को जो डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए मिल जाता है, एक आप लोगों को फास्ट चार्जर वीवो की तरफ से देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 66 वॉट का फास्ट चार्जर है। एंड आप लोगों को इस चार्जर के साथ एक Type-C2A केबल इस फोन के बॉक्स में देखने के लिए मिल जाती है। और बात कर ले तो और आप लोगों को एक सिम इजेक्टर टूल इस बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो इतनी कुछ चीजें आप लोगों को बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। फटाफट से बात कर ले हमारे फोन के बारे में, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये रहा वो फोन। फोन का लुक एंड फील आप लोगों को काफी ज्यादा प्रीमियम देखने के लिए मिलेगा। पीछे की साइड में यहाँ पर फोटोक्रोमिक मटेरियल का यहाँ पर कंपनी ने जो है यूज किया है। नीचे की साइड में आप लोगों को वीवो की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। नीचे की साइड में यहाँ पर आप लोगों को टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन, सिम ट्रे एंड सिंगल फायरिंग बॉटम स्पीकर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। वहीं ऊपर की साइड की बात करें तो इसके जस्ट ऊपर वीवो की आप लोगों को ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। एंड इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मुझे मेटल का यूज हुआ है कैमरे के अंदर। एंड कैमरे के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा बंप देखने के लिए मिल जाता है। एंड फोन का बैक आप लोग कलर चेंजिंग देखने के लिए मिल जाता है, जो कि फोटोक्रोमिक मटेरियल का यहाँ पर मुझे यूज किया गया है। जब आप लोग जो इसके ऊपर यूवी लाइट गिराएंगे या फिर बेसिकली जब आप लोग जो धूप में जाएंगे, तब ये जो फोन का कलर है ये जो ग्रीन से डार्क ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसी के साथ अगर बात कर ले इस वाले फोन के डिस्प्ले की, तो आप लोगों को इस फोन के अंदर 6.78 इंचेस का एक जो एमोलेड स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है। फुल एचडी प्लस डिस्प्ले आप लोगों को इस फोन का देखने के लिए मिल जाता है। 3D कर्व्ड डिस्प्ले आप लोगों को इस फोन का देखने के लिए मिलता है। ब्राइटनेस की बात करूं तो 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहां पर आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। इसका फायदा ये होगा कि अगर आप लोग जो धूप में भी इस फोन को यूज करेंगे या फिर अगर आप लोग जो डे टाइम में भी इस फोन को यूज करेंगे, तभी भी यहां पर आप लोगों को डिस्प्ले विजिबल होगा। मतलब धूप में अगर आप लोग बाहर लेके गए भाई इस फोन को और आप लोग डिस्प्ले देख रहे हैं, बाहर काफी ज्यादा धूप है, तब काफी सारे फोन के अंदर आप लोगों को डिस्प्ले नहीं दिखता है, लेकिन इसके अंदर ये प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी, डिस्प्ले आप लोगों को पूरा का पूरा विजिबल होगा। वहीं अगर बात कर ले गेमिंग की, तो यहाँ पर आप लोगों को क्योंकि इस फोन के अंदर काफी अच्छा प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, तब आप लोगों को गेमिंग के अंदर भी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम इस फोन के अंदर नहीं आएगी। प्रोसेसर की बात कर ले तो आप लोगों को इस फोन के अंदर MediaTek की तरफ से आने वाला Dimensity 8200 प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 3.1 GHz की फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्लॉकड एंड काफी अच्छा प्रोसेसर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। 8GB की रैम आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाती है एंड 8GB की वर्चुअल रैम मिलती है। मतलब बेसिकली आप लोग जो है 8GB की रैम को इसके अंदर फिर एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब जो स्टोरेज होती है इस फोन की वही जो है रैम में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग 16GB की रैम यहाँ पर इस फोन के अंदर जो है मान सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर बात कर ले तो 128GB की इंटरनल स्टोरेज आप लोग इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। मेमोरी कार्ड की बात कर लो तो आप लोग कोई भी SD कार्ड या फिर मेमोरी कार्ड इसके अंदर नहीं लगा पाएंगे। अगर बात कर ले वीवो V27 एंड V27 Pro की, तो दोस्तों दोनों फोन की डिजाइन आप लोगों को सेम देखने के लिए मिल जा रहा है। अब फटाफट से बात कर ले वीवो V27 Pro के कैमरा सेटअप की, तो पीछे की साइड में यहाँ पर आप लोगों को इस फोन के अंदर 3 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल रहा है। जो प्राइमरी सेंसर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, वो आप लोगों को 50 MP का देखने के लिए मिल रहा है। उसके साथ साथ 8+2 MP का आप लोगों को ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप इस फोन के बैक कैमरे के अंदर देखने के लिए मिल जा रहा है, क्योंकि OIS के साथ में आता है, मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन के साथ आप लोगों को इस फोन का बैक कैमरा देखने के लिए मिल रहा है। इसका फायदा ये होगा कि अगर आप लोग जो है कहीं पर भी वीडियो शूट कर रहे हैं, आप लोग हाथ हिलते हैं या फिर फोटो वगैरह क्लिक करने में आपके हाथ हिलते हैं, जिस कारण से आपकी फोटो ब्लर आती है, तब यहाँ पर मैं जो OIS है इसके अंदर, ये जो है आप लोग की फोटो को स्टेबल कर देगा और आप लोग की वीडियो को भी स्टेबल कर देगा, जिस कारण से आप लोग की फोटो एंड वीडियो के अंदर आप लोग को शेक या फिर ब्लर देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये काफी अच्छा फीचर इसके कैमरे के अंदर जो है दिया हुआ है। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जो 5G फोन होने वाला है ये मतलब फ्यूचर प्रूफ है, फ्यूचर में भी यहाँ पर आप लोग को जल्दी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड 5G के काफी सारे बैंड आप लोग को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। फटाफट बात कर ले इस वाले फोन के अंदर सेंसर की, तो सारे सेंसर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी का सेंसर हो गया, जीरोस्कोप का सेंसर हो गया, कंपास का सेंसर हो गया। सेंसर की बात हुई है तो फटाफट यहाँ पर मैं बात कर ले फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो आप लोगों को इस फोन के अंदर ऑप्टिकल ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने के लिए मिलेगा। मतलब स्क्रीन के ऊपर जो फिंगरप्रिंट का सेंसर आता है, वो वाला फिंगरप्रिंट का सेंसर आप लोगों को इस फोन के स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर इस फोन की बैटरी की बात करें तो आप लोगों को इस फोन के अंदर 4600 mAh की नॉन रिन्यूएबल लिथियम एम्पावर्ड बैटरी देखने के लिए मिल जाती है एंड 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग
भी सपोर्ट करता है। चार्जर आप लोगों को डब्बे के अंदर इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लें कि ये फोन के अंदर आप लोग क्या नहीं देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग को 3.5 mm वाला ऑडियो जैक इस फोन के अंदर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मतलब आप लोग जो ईयरफोन जो आते हैं हमारे नॉर्मल वाले, वो आप लोग इसके अंदर लगा के गाने या फिर कोई भी चीज़ आप लोग नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ FM का सपोर्ट आप लोगों को इस फोन के अंदर नहीं मिलता है। और फोन जो है आप लोगों को वाटर प्रूफ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। मतलब अगर पानी में ये फोन गिरा तब ये फोन जो है खराब हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी IP रेटिंग आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए नहीं मिल रही है। अगर बात करो Vivo V27 Pro के प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो आप लोगों को 39,999 rupees जो है देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप लोगों को 1 मार्च को 12 बजे Flipkart पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों बस ये सारी कहानी थी Vivo V27 Pro की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इस फोन से रिलेटेड अगर कोई भी अगर सवाल हो नीचे जो है कमेंट करना मत भूलना, मैं पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत। अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।